हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सो मैं हूं आपका अपना भूपेंद्र गुर्जर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है वो होगा रेसलिंग के अराउंड। ट्रैवलिंग थोड़ी बहुत इसमें मिक्स होने वाली है। और मैं आज हूं, अभी हूं टोरंटो। मैं रुका हूं द वेस्टर्न होटल एंड अभी मैं जा रहा हूं अपने रेसलिंग मैच के लिए रिबेलियन, जो कि है रैपल में। रैपल एक बहुत ही काफ़ी सुंदर यहाँ पे एक क्लब है और बहुत ज़्यादा फेमस क्लब है। तो वहाँ पे आज हमारा वेन्यू है, वहाँ पे आज हमारी रेसलिंग होगी। और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, बैठा हूँ बाहर तैयार होके, वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त की। वो आएगा तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। आधे घंटे की ड्राइव है, बट आई थिंक हमें लगने वाला है एटलीस्ट एक घंटा। इट्स लाइक दिल्ली, जैसे हमारे दिल्ली में काफ़ी भीड़ होती है तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और कम से कम एक घंटा लग जाएगा। तो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, बस बैठा हूँ बाहर। बड़े टाइम के बाद मज़ेदार धूप निकली है तो मैंने सोचा थोड़ा धूप का मज़ा ले लिया जाए। और आज है पे पर व्यू। तो जिनको पे पर व्यू नहीं पता, पे पर व्यू होता है वो लाइव आता है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करोगे, सिर्फ जो जो बंदा पे करता है वही देख सकता है। तो वो इंडिया में तो हमारा खैर फ्री आता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है क्योंकि बहुत स्पेशल लोग आते हैं, बड़े जो फ़ैन होते हैं वही रेसलिंग देखने आते हैं। तो इट्स गोना बी फन। चलते हैं अभी और देखते हैं वहाँ पर। ये हमारा पड़ा है बैग, ये है मेरा होटल, यहाँ से एंट्री है, ये खड़ी है हमारी कार और मैं बस वेट कर रहा हूँ। ऐसे ही लोग आते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ वेन्यू पे। आई एम एट द वेन्यू राइट नाउ एंड इट्स ब्यूटीफुल। और मेरे साथ बिजी हैं आज मेरे दोस्त पॉल विक। पॉल, कैसा लग रहा है व्यू? मेरा फर्स्ट टाइम टोरंटो में, फर्स्ट टाइम हियर, स्पीचलेस। बहुत सुंदर। लुक एट द बैकग्राउंड ब्रो, इट्स ब्यूटीफुल। सो आई एम एक्साइटेड। हाउ वाज योर नाइट? व्हाट टाइम यू गेट हियर? आई गेट हियर एट 9 PM ऑन सैटरडे नाइट। वेरी वियर्ड, नॉर्मली वी गेट इन थर्सडे, दिस टाइम इट वाज बिकॉज़ द शो वाज ऑन संडे एंड मंडे। सो आई गेट इन एट 9 एंड देन द सेकंड आई गेट आउट ऑल आई सी इज I feel like I'm back home in India because in Canada when I land is all I see is Indian people. So hey, Brampton or Toronto mein aapko goro se zyada hamare Indian hi dikhenge, right? Bilkul, bilkul. It's like a full Indian takeover. Exactly. Then after that we went to the hotel and then my cousins that I haven't seen in a minute, they live here. So we went out to Desi Bar and Grill. Okay. I definitely recommend it. Desi Bar and Grill. Yeah, they have loud music. Okay. They have everything. Main bhi gaya tha apne dost ko, mera bhi dost aa gaya tha. Haan ji. तो उसके साथ मैं गया थोड़ा पार्क वगैरह में घूम फिर के, खा पी के, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ गया, बट मजा आया। चलो, when I went there, it was like it felt like I was back in it, like India. Yeah, and that's nice. Yeah, so definitely if you're in Toronto, check it out. Support your own people. Yeah, sure. अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा एरिया, बहुत सुंदर व्यू है। ये देखो, जो टोरंटो में लोग रहते हैं उनके लिए आई डोंट थिंक के ये कोई नया व्यू होगा, बट हमारे लिए तो ये बहुत सुंदर जगह है। सो ये है टोरंटो का बिल्कुल कॉर्नर वाला एरिया। तो अभी हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लिया जाए, तो 5 मिनट की वॉक है तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। बारबेक्यू चिकन, रेसलिंग का धमाका। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे बाहर जाके कि किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके से रिंग रेडी हो रही है, और जब ये पूरा रेडी होके तैयार हो जाएगा फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मज़ा होने वाला है और यहाँ पे होंगे ग्रेट
मैचेस। तो इस जगह के साथ एक मेरी छोटी सी मेरी यादें हैं, जब मैं इंडिया से आया था, जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे मैं आता होता था रेसलिंग करने, देखने और हेल्प करने, जैसे कि रिंग सेटअप होगी, टेबल उठाने रखने, चेयर्स वगैरह हेल्प करने बेसिकली। पर आज मैं यहाँ पे एज ए रेसलर परफॉर्म करता हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। जिस तरीके से आप देख सकते हो पीछे सारे रेडी कर रहे हैं रिंग, इस तरीके से मैं भी एक टाइम होता था जब मैं आता होता था यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए, और आज मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्टेड एथलीट। तो बहुत मज़ा आता है, ये सक्सेस देख के खुशी होती है कि जो हार्डवर्क मैंने किया वो पे ऑफ कर रहा है फाइनली। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो अभी पीछे रिंग की सेटअप हो रही है और किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं एक बहुत बड़े इवेंट की। सो ये है रेबल बार एरिया, और यहाँ पे चल रहा है हमारे रेसलिंग की तैयारियाँ। सुपोल यार, दो चार फोटो ही ले लो। ओके ओके, पोज लो पोज। एक एंग्री फेस, मैं एंगर, मैं बहुत गुस्सा आता है मेरे। हंसने वाली की लाइफ, सारी लड़कियां बस मर जाए। और शाहरुख आता ही नहीं। भूपिंदर, आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान पॉल जी ये है कि बस मज़े लो, छोटी छोटी खुशियों में ना खुशियाँ ढूंढो, लाइफ जियो, मज़े लो। सबसे बड़ी बात यही है कि जस्ट इन्जॉय करो। हम क्या करते हैं कि जो अपनी खुशी है ना उसको पोस्टपोन कर देते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं देता मैं, पर बोलूँगा कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर भूपिंदर गुर्जर, यस, वर्क ऑन योर ड्रीम्स and be happy। आज मेरा कोई मैच नहीं है तो मैं थोड़ा चिल मोड में हूँ, तभी तो रिलैक्स है, पर मजा है यार, है कि नहीं? देखो बोल, दिखा दो यार दोस्तों को भी। वाओ, क्या ही व्यू है। Ooh, so look at the view। How much money? I think I can give you $200. $200? $201. No, bro, don't do it. दोस्तों अभी हम कुछ आए थे खाने चिपोटले यहाँ पे टोरंटो डाउनटाउन, तो देख सकते हो आप कितना बिजी है यहाँ पे। Black beans just need that. Don't eat cheese, bro. Cheese no good for you. It's too late. It's too late. Is this perfect for you? Yes, that's good. Photo is it? मैंने ले लिया हमारा चिपोटले, and now हम जाके वेन्यू पे खाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया, मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाया था पर ज़्यादा नहीं खा पाया। भूपिंदर को इतनी भूख लगी है कि अगर इनका बस चले तो ये इंसान खा जाए। इतनी भी भूख नहीं है भाई। So we got our food and now we are going back to venue. सबसे पहले कुछ खाते हैं। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ध्यान रखिए, एंड यस, Don't forget to subscribe my channel.